अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जो है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। और लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी में जो सबसे पहले हम टॉपिक देख रहे हैं वो है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड बेसिकली। और इसमें हम टेंजेंट लाइन का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड फिजिक्स में आपने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर एंड, T1 इज़ योर स्टार्ट टाइम, T2 इज़ योर फाइनल पॉइंट। तो आपका जो एवरेज स्पीड है क्या होगा, योर फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट F(T2) माइनस F(T1) योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस वन इज योर फाइनल टाइम एंड इज योर स्टार्टिंग टाइम। तो ये आपके पास इस तरीके से ना एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसकी जो एग्जांपल है इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आगे जा रहा हूँ जहाँ पे हम इसको डेल्टा की फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ आगे, ये जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो आपके पास वो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है, इसका हम डिस्टेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, डिस्टेंस चेंज इसमें हो रहा है, तो ये उसको डेल्टा वाई लिख लें, और जो स्पीड है नीचे टाइम सॉरी, तो वो डेल्टा टी आ जाएगा। तो इससे इसके डेल्टा वाई वो डेल्टा टी है। अगर आपके पास वेरिएबल डिफरेंट हो जाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेल्टा वाई वो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई वो डेल्टा समथिंग, कुछ और वेरिएबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें द एवरेज रेट ऑफ चेंज है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला ये वही है जो स्पीड वाला है। इनफैक्ट चेंज क्या है इसमें, टी की जगह पे ये X1 X2 आ गए, बाकी सारी वैल्यूज वही हैं, ठीक है। ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, पहले जो डेल्टा टी था वही आ गए। अच्छा, अब ये क्या करते होते हैं कि आपके पास जो ये X2 है, ये X2 क्या होता है, जैसे यहाँ पे X1 पॉइंट है, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कोई ट्रेवल किया, उसका लेट्स सपोज नाम H है, और ये आपके पास एक नया पॉइंट आ गया X2, तो वो X2 को लिखते हैं कि X1 में ये प्लस हुआ, तो आ जाएगा X1, उसमें प्लस कर देंगे H। तो इस तरीके से X2 को वो रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखें X1 एज इट इज़ है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी आप X2 की वैल्यू लगाएंगे तो इसमें X1 कैंसिल होकर यहाँ पे खाली H रह जाएगा। तो ये है आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एक बात थी सीक्वेंट लाइन, ये सीक्वेंट लाइन क्या होती है, जैसे ये आपके पास ब्लू वाली एक कर्व है, तो कर्व को ऐसे करके कोई लाइन जब कट करती है दो पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं सीक्वेंट लाइन। अगर यही लाइन जैसे एक हमारे पास सर्कल है और उसके सेंटर में से ऐसे गुजरे, तो वो फिर जो है आपके पास वो बन जाती है उसका डायमीटर, जो ये वाला होता है, तो उसको सेंटर के अलावा अगर पास करेंगे तो वो आपके पास जो है ना वो सीक्वेंट लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से सीक्वेंट लाइन की जो ये एंगल बनाती है, इसके साथ इसकी स्लोप क्या होती है वो हमने फाइंड करनी है। तो वो बेसिकली स्लोप आपके पास ना डेरिवेटिव ही होता है, आपने पहले ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, यू आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ सर्टन लाइन और सर्टन कर्व। व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक डेरिवेटिव, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास उसकी स्लोप बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जैसे ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ में ये पॉइंट P और Q से रिलेटेड ये सीक्वेंट लाइन है, इससे ऊपर चलते जाएंगे ऊपर चलते जाएंगे, ये सारी की सारी सीक्वेंट लाइन है। लेकिन ये जो रेड वाली लगी हुई है, ये वाली, इसको वो कह रहे हैं टेंजेंट लाइन। पता क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे इसमें टच कर रही है, जो दो पॉइंट पे टच करेगी वो सीक्वेंट लाइन होगी। जैसे यहाँ पे देखें ये पॉइंट P है, ये Q है, तो ये जो रेड वाली है ये सीक्वेंट लाइन है इसके ऊपर, इसके अलावा बाकी जो है वो सारी की सारी टेंजेंट लाइन है। सॉरी, टेंजेंट रेड वाली है और जो बाकी सारी है वो सीक्वेंट लाइन है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे। ये कर्व है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसका जो है वो स्लोप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एट पॉइंट 2 एंड 4। अब वो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन, क्या फॉर्मूला उसका, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था वो था F(X1+H) माइनस F(X1) डिवाइडेड बाय H, ये उसका फॉर्मूला था। अब हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है जी वाई, ये तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा एफ ओफ
एक्स इक्वल टू एक्स किया, ये वाई जो है बेसिकली ही एफ एक्स होता है ना। अब आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट, ये 2 4 है, 2 4, इसका मतलब है कि एक्स वन आपके पास 2 है और जो वाई वन है वो आपके पास है 4। ठीक है, तो हमें तो बेसिकली चाहिए इसमें ये एक्स वन जो एरिया 2 है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब वो एक्स ऑफ एक्स टू हमें चाहिए, तो हम यहाँ से एफ ऑफ 2 इधर रिप्लेस करेंगे, तो ये 2 का स्केयर ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एफ ऑफ 2 प्लस एच करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच उसका स्केयर इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और अपने ओरिजिनल फॉर्मूले में लगा देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले की शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी, इन्होंने ये बना दिया, असल में तो यही फॉर्मूला था ना, 2 प्लस एच इसका स्केयर माइनस एफ ऑफ 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई एच। तो ये जो डिवाइडेड बाई एच है ये वही है, ये जो 2 का स्केयर था इसका अभी हमने जवाब निकाला था वो ये आया था 4 जो था, और जो ये वाली वैल्यू थी एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो वो बेसिकली ये 2 प्लस एच उसका ये आ गया था 2 प्लस एच का होल स्केयर। तो इन्होंने ये फॉर्मूला नहीं लिखा, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लगा दी। अच्छा आप आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्स प्लस एच प्लस 4 आ गया है, तो ये बेसिकली स्लोप है, और बाकी इसकी डिटेल यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमें सिर्फ स्लोप ही करना था फाइंड आउट, ये स्लोप हो गया। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, ये है हमारे पास एक्सरसाइज, और इसमें ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ऑनवर्ड आगे, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये स्लोप ही आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या कहते हैं जी, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट पी। तो ये स्लोप अभी मैंने आपको ऊपर बताया कैलकुलेट करना। अच्छा भाई, इसी का जो अगला पार्ट है वो है एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब ये क्या होती है और ये कैसे मालूम करनी है ये देखें जरा। यहाँ पे ये दोबारा है ज़रा, जब भी आप ये एग्जाम्पल कर रहे थे तो यहाँ पे कहते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन 0 देन क्यू लाइज अबव एंड टू द राइट ऑफ पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है यहाँ पे मेंशन है ये वाला, उसके राइट साइड पे होगा। अच्छा, और अगर जो है वो एज लेस देन 0 है तो जो ये है क्यू है वो आपकी इस साइड पे, अब देख रहे हैं क्यों ये ऊपर करके आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे करके ये पॉइंट है, अगर वो होगा तो फिर पी नहीं, क्यों नीचे आ जाएगा, पी ऊपर से, अभी पी नीचे है क्यों ऊपर, तो ये बात करें। अब आगे कहेंगे वो टेक फॉर टू बी दी पैराबोलाज स्लोप एट पॉइंट पी, ये क्या है असल में, वो क्या करते होते हैं आप जब डेरीवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो आपके लेते हैं ना वो इस तरीके से डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे वो होता है ना आपके पास इस तरीके से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और जब आप एंड पे लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास बन जाता है उसका स्लोप। अब यहाँ पे इन्होंने अभी लिमिट तो अप्लाई नहीं की, तो उसको उन्होंने बगैर लिमिट रेट ऑफ चेंज ही यूज़ किया है, तो एंड पे अब वो क्या करेंगे कि इस पे बगैर बताए, ये बताए बगैर है ना, ये क्या करें एच अप्रोचेस टू, एच अप्रोचेस टू ये 0 एंड द सेकंड लाइन दिस अप्रोचेस टू 4, इसका मतलब यही था कि वो इसके ऊपर ना लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ से 4 आ जाएगा, तो ये 4 इसकी स्लोप होगी। ठीक है, तो जो भी आपने इस तरीके से स्लोप कैलकुलेट करनी है एंड पे आपने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है एज अप्रोचेस टू 0, और हर दफ़ा यही स्लोप आपने लिमिट अप्लाई करनी है एज अप्रोचेस टू 0, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है ना स्लोप के लिए, तो डेरिवेटिव उसी सूरत में आएगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एज अप्रोचेस टू
जीरो। तो अब ये जो आपके पास 2.1x है, इसमें यही काम करना है आपने, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास वो स्लोप आ जाएगी। अगर आपको फ़र्ज़ करें ऐसे ही सवाल आ जाए पेपर में और आपको ये मेथड भूल गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का, तो इसका एक आसान तरीका ये है, ये वाई आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो आप क्या करोगे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो, डी वाई बाई डी एक्स वो इक्वल टू आ जाएगा 2x। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट आपके पास गिवन है 2 और -1, इसमें ये वाली वैल्यू एक्स की है और ये वाली वैल्यू जो -1 है ये वाई की वैल्यू है, आप क्या करोगे ये एक्स की वैल्यू जो 2 है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 2 × 2, ये आ जाएगा 4। और ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको आप इस तरीके से वाई डैश लिख लो, ज़रा जगह कम है उसकी वजह से, तो इसको आप लिखोगे वाई डैश और यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा के इसके नीचे आपने लिखना एक्स इक्वल 2। ये एक्स इक्वल 2 क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ऊपर वाला कर्व था, ये वाला आप इसमें एक्स की जगह पे 2 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आपके पास ना ये यहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा और ये यहाँ से सिंप्लीफाई होकर 4 आ। अब ये 2 कहाँ से आया, ये बेसिकली ना आपको सवाल में गिवन था ये वाला, ये P(2−1) तो हमने ये 2 लिया था यहाँ से। अच्छा जी, ये तो आ जाएगी स्लोप। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, ये असल पॉइंट था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें y−y1 = m(x−x1). ठीक है जी। x1 y1 पॉइंट आपको गिवन है ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये −(−1), ये x एज इट इज़ और यहाँ से y एज इट इज़, और ये जो स्लोप था उसका आंसर आपने 4 निकाला था। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये क्या है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये आप खुद देख लेना, पीछे एग्जाम्पल मैंने वैसे भी करवाई दी है। ठीक है जी, बाकी इसमें कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन पे। आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी जो इंटर में पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें तो वही हैं, अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें देखें, हाउ डज द फंक्शन बिहेव नियर एक्स, एक्स के करीब करीब इसका बिहेवियर क्या होगा इस फंक्शन का। तो होता क्या, जैसे यहाँ पे ये एक्स है, तो एक्स के एक जब ये 1 आ जाता है, मैं बल्कि ऊपर वाला ग्राफ दिखाता हूँ आपको, ये ग्राफ देखें, यहाँ पे देखें उन्होंने ये 1 के ऊपर, ये ऊपर चल के ये पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट को उन्होंने ये सर्कल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है, वो इधर से आप आ रहे हो, ये ग्राफ टूट गया यहाँ से और यहाँ से आप आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पे वो वैल्यू नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूटी होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहे थे डिसकंटिन्यूटी का, ये क्यों आई, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें x−1 है, जब आप यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दोगे तो ये 1 − 1 बन जाएगा, तो 1 − 1 0, x²−1/0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने 0 लगाया हुआ है। अब ऐसे तो आप उसको नहीं कैलकुलेट करोगे ना लिमिट्स को, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 1 अप्लाई करो तो ऊपर भी 0 आ जाता है नीचे भी 0 आ, ये 0/0 फॉर्म है, ऊपर भी 1 − 1 है नीचे भी 1 − 1 है, तो इस 0/0 फॉर्म के मामलात को आप ऐसे हैंडल नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, आप पहले फंक्शन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे, हर फंक्शन में सिंपलीफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब इसमें वो फंक्शन को क्या करेंगे सिंपलीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा ये x+1 x-1 में चेंज किया, माइनस वाली कट गया, आपके पास x+1 आ गया। अब जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे ना इस वाले में, तो ये 1+1 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ ये वाला, द ग्राफ ऑफ एफ इज द लाइन y = x+1 विद द पॉइंट 1 2। ये 1 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x जब 1 होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे y की 2 आ जाएगी, ये वाला पॉइंट, यहाँ से जब ऊपर चले जाओ तो ये वाला पॉइंट।
अब इसके आगे इन्होंने लिखा हुआ रिमूव्ड। रिमूव्ड का क्यों लिखा है? क्योंकि देखें यहाँ पर उन्होंने कह दिया था x इज नॉट इक्वल वन, क्योंकि अगर x वन हो जाता है तो वो तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, इसलिए हमने वन तो लेना नहीं है। जब वन नहीं लेना तो फिर हमारे पास टू भी नहीं आएगा। दिस रिमूव्ड पॉइंट इज शोन एज अ होल इन फिगर दिस, ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज क्लियर दैट वी कैन मेक द लाइन, वी कैन मेक द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज क्लोज एज वी वॉन्ट टू टू बाई चूजिंग एक्स क्लोज इनफ टू वन। इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ से जितना इसके पास होते जाएंगे या यहाँ से जितना वन के पास होते जाएंगे, तो ये जो ग्राफ है ये उतना ही ना इसके पास होता जाएगा। और ये कौन सी वैल्यू? ये टू के पास है। तो इनफैक्ट वो ये कहना चाह रहे हैं एज एक्स अप्रोचेस टू वन, तो ये एफ एक्स ये जो वाई है ये अप्रोचेस टू टू आ जाएगा, वो ये बात थी। आ, आ, आ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? ये सिंपल लिमिट कैलकुलेट की हुई है जो अभी आप पीछे भी दिखा रहा था आपको। सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी को प्रॉपर लिमिट अप्लाई कर दें। अच्छा भैया यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे देखें इसमें वही एक्स माइनस वन था, तो इन्होंने देखें वन के ऊपर यहाँ पे ना एक होल बना दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन तो वही है जिसमें ये होल था, और नीचे उन्होंने एक्स इक्वल टू वन के लिए उन्होंने कह दिया कि वैल्यू वन है, तो ये जो वन है और इधर से ये एक्स इक्वल टू वन है, तो ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। और अगले वाले में उन्होंने क्या किया है कि वो उसको सिंप्लीफाई करके एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया पॉइंट, और यहाँ पे उन्होंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि ये ना आप बताएं कि ये इसका लिमिट क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो लेस देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो, इसका मतलब है कि लेस देन ज़ीरो के लिए मैं दूसरे कलर की यूज़ करता हूँ, आप अच्छे से ब्लू यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से ये ज़ीरो से लेस वाला पार्ट है, तो इसमें हमेशा जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही देगा, और जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो अगर यहाँ पे वन है लेट्स सपोज, तो ये ग्राफ यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये दरमियान में ना ये देखें एक ब्लैंक जगह है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इधर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, ग्राफ टूटा हुआ है। तो ये टूटे हुए ग्राफ को कहते हैं कि ये बेसिकली जंप डिसकंटिन्यूटी है, एक जंप है। सो इस जगह पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब आप यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो वो आपको आंसर देगी ज़ीरो, और जब यहाँ से आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आंसर देगी आपको वन, ठीक है। तो कंबाइन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वापस में इक्वल नहीं होगी, सो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव नो लिमिट्स। अच्छा जी, सिमिलरली अगला वाला वैल्यू भी ऐसी है, इसमें देखें एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे वो आपके पास ज़ीरो है, और जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो वन ओवर ये एक्स है। अब इस केस में क्या होगा? आपके पास ये है ग्राफ, एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए ये बन गया यहाँ पे पॉइंट। अच्छा उसके बाद जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आप लेट सपोज आप कर लो कि वो 0.5 है, तो 0.5 यहाँ पे अगर वन है, समझाने के लिए दूर दूर लिख रहा हूँ, ये 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0.5 ये फाइव ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 0.5। अब जब इस पे आप ये वाला कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये क्या बनेगा? 1/0.5। तो इसका जो वो है आप डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपके पास बेसिकली ना टू आ जाएगी।
इट मीन्स कि 0.5 के ऊपर अगर ये 1 है तो ये 2, तो ये वैल्यू ना यहाँ पे चली जाएगी। अब देखें ये यहाँ से ये यहाँ पे है और एकदम से ये 2 पे चली। अगर आप मज़ीद इसके 1 के पास आएंगे ये वैल्यू और ऊपर 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 चलती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ यूँ बनता है, और ये जो दरमियान में गैप आ जाता है ये वाला, ये सारी की सारी देखें डिसकंटिन्यूटी है। ये वैल्यू कहाँ पे है, ये ऊपर जा रही है और ये 0 पे 0 है। तो दोनों लेफ्ट वाले और राइट वाली वैल्यूज जो लिमिट्स हैं दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लिमिट, दे शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और सी वाला आप खुद पढ़ लें, ये भी कोई ऐसा ही केस है, ये इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कुछ लिमिट्स के रूल हैं जो आपने इंटर में चैप्टर 1 में पढ़े हुए हैं। दोनों के लिमिट्स हैं, अगर सम हो रहा है तो वो लिमिट्स लहदे लहदे अप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से डिफरेंस में भी ऐसे हो जाएगा, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो रहा है तो वो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, प्रोडक्ट की लिमिट। और डिवाइजर में ऐसा होता है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर फंक्शन है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, और अगर आपके पास किसी फंक्शन की लिमिट है और उसकी पावर है तो वो पावर को साइड पर रख के पहले फंक्शन की लिमिट अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसकी पावर अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये भी वो वाला केस है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब आपने डिफरेंट ये एग्जांपल्स गिवन की लिमिट कैलकुलेट करनी, तो देखें ज़रा x³ 4x² माइनस, इसकी लिमिट आपने अप्लाई किया कि सबके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी, और यहाँ पे देखिए लिमिट थी सी, तो सबके ऊपर सी सी सी। अब 3 के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 रहेगा, ये जो है ये 4c² हो जाएगा और ये c³ हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वालों को भी ऐसे किया है, ये ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी, नीचे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी, उसके बाद सबकी अलहदा अलहदा लिमिट हो गई। देखें जरा, और जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम सी अप्लाई कर देंगे, जो कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज कॉन्स्टेंट ही देंगे। इस केस में देखें लिमिट जो है वो स्केयर रूट के अंदर चली जाएगी, स्केयर रूट बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये लिमिट दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा अप्लाई हो गई है, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। ये देखें जरा, द फॉलोइंग कैलकुलेशन इलस्ट्रेटेड थ्योरम 2.3, 2 एंड 3। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करिए आपने अप्रोचेस टू -1, तो इट मीन्स जहाँ जहाँ पे आप एक्स है तो आप अप्लाई कर देंगे -1, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये 0/6 है, तो ये 0 आ गया। तो आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें लिमिट अप्लाई करने से 0 आ जाए तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये बात है, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन डज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन वी सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू -1, वी जस्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट। ठीक है जी, सिर्फ असी एवेल्यूएट कर लेते हैं उन्हों एक्स की वैल्यू 0 पुट करके। अच्छा, जब यहाँ पे देखें इसमें आपने 1 अप्लाई करना, अब यहाँ पे जब 1 - 1 करेंगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसी तरीके से ऊपर भी 0 आ रहा है, बेसिकली 2 - 2 हो जाएगा। सो आप इस किस्म के क्वेश्चंस को जब आप लिमिट फाइंड करोगे आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्या करोगे फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ गया। अब ये जो नया फंक्शन आ गया है इसमें क्योंकि आपने x - 1 को तो कैंसिल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आप कंडीशन ये लगा देंगे कि इसमें x1 नहीं आप ले सकते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें जरा आगे, इसके ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई करनी थी, ये क्योंकि आपने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है तो आप फिर इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दोगे, ये सिंपलीफाई होके ये आ गया 3, लेकिन कंडीशन आपके पास यही है एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1। और इसके ऊपर जब आपने ये डायग्राम बनाई, ये देखें ज़रा, पहली डायग्राम ये थी जिसमें वो सिंपल फंक्शन गिवन था जो हमने उसी की डायग्राम बना दी है, तो 1 के ऊपर क्योंकि 1 के ऊपर ये डिनोमिनेटर में 0 हो रहा था, तो यहाँ पे ये ऊपर करके एक खाली सर्कल लगा दिया। ठीक है जी, ये वाला, फिर इन्होंने जब सिंपलीफाई करके नया फंक्शन बना दिया ये वाला, उसका ग्राफ इन्होंने ये वाला, ग्राफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ वही बना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो इसको हाईलाइट कर दिया है सर्कल को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाई थी ना एक्स इज नॉट इक्वल 1, तो ये वाला जो पॉइंट है डोमेन का ये वाला, ये पॉइंट ही शामिल नहीं है। जब ये पॉइंट शामिल नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये भी उसमें शामिल नहीं होगा, तो इसीलिए उसको हाईलाइट कर दिया जैसे पिछले एग्जांपल में था।
अच्छा जी, ये तो वैसे वो एग्जांपल है जिसमें आप रैशनलाइजेशन से इसको सॉल्व करते होते हैं, ये किया भी हुआ है, या आप इजी है खुद से देख सकते हैं, इंटर की एग्जांपल है। अच्छा ये था एक सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में ये होता है कि समटाइम्स आपके पास ना फंक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेट सा होता है, तो उसकी लिमिट आप फाइंडिंग कर पा रहे थे। फर्ज करो आपका फंक्शन जो है ना वो है वाई, इसकी आपने लिमिट मालूम करनी है। तो ये क्योंकि बड़ा मुश्किल है, आप क्या करते होते हो, आप इससे एक बड़ा फंक्शन ढूंढते हो और उसके ऊपर वही लिमिट अप्लाई कर देते हो, और इसी तरीके से इससे एक छोटा फंक्शन ढूंढते हो एक्स और उसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करते हो। ये एक्स वाई जेड ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, असल में वो कोई ना कोई फंक्शन ही होंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास ये जो फंक्शन था ये मुश्किल था, आपने क्या किया, दो फंक्शन ऐसे ढूंढ लिए, जैसे ही आपके पास थ्री लिखा हुआ है तो थ्री से छोटा वन है, थ्री से बड़ा जो है वो फोर है, तो आपने ये वन और फोर ढूंढे। ये मैं नंबर्स के हवाले से बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप फंक्शंस के हवाले से भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है एक्स, उससे छोटा फंक्शन है एक्स माइनस टू, उससे बड़ा फंक्शन है एक्स प्लस फोर। ठीक है, सो ऐसे फंक्शन आप ढूंढ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक बड़ा फंक्शन ढूंढ लिया और इसी तरीके से एक छोटा फंक्शन ढूंढ लिया। अगर आपने ऐसे फंक्शन ढूंढ लिए हैं तो वही एक्स प्रोसेस टू ए लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली लिमिट, ये वाली लिमिट जो है और जो आखिरी वाली लिमिट है वो आपस में बराबर आ जाए, जो एक्स वाली की लिमिट है और जो जेड वाली की लिमिट है वो आपस में बराबर आ जाए, तो आप ये कहते हो क्योंकि पहली और आखिरी बराबर है लिहाजा दरमियान वाली भी उन्हीं की बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, ये मैं आपको अब थ्योरम की स्टेटमेंट से बता रहा हूँ, इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ये एफ जो था वो दरमियान में था, जी छोटा वाला है और एच बड़ा वाला है, और ये हिसाब किताब के साथ क्या था जी, जी और एच की लिमिट जो है ना वो बराबर आ गई है। देखें जी की और एच की लिमिट बराबर किसकी आ गई है, एल, तो जो एफ है फिर उसकी भी लिमिट एल ही होगी, ये बात कर रहे थे। अच्छा अब ये एक एग्जांपल की बना, यहाँ पे देखें जरा, ये फंक्शन था यू एक्स और वो यू एक्स हमें पता नहीं है, जैसे ये ब्लू कलर का यहाँ पे मेंशन किया फॉर एग्जांपल, और दो फंक्शंस ऐसे हैं, एक उसे छोटा है एक बड़ा है, जैसे ये है वन माइनस एक्स के बाई फोर और ये वन प्लस एक्स के बाई टू है, ये एक ऊपर वाला रेड फंक्शन है और एक ये नीचे वाला फंक्शन, तीनों फंक्शन देखें डिजाइन भी बन गए, ये स्मॉलर, ये मिडल वाला और ये ग्रेटर फंक्शन है। अब क्योंकि यू की वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल है, आप क्या करोगे, पहले वाले की और आखिरी वाले की लिमिट फाइंड कर लोगे। अब इसकी भी लिमिट जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो निकालोगे वन आ जाएगी, इसकी भी लिमिट वन आ जाएगी, पहली लिमिट और आखिरी लिमिट वन है, इसका मतलब है दरमियान वाले की लिमिट भी वन है, यहाँ पे ये लिखा होगा, ये देखें इसकी लिमिट वन है, इसकी लिमिट भी वन है, लिहाजा ये जो एक्स वाला है यू एक्स, इसकी भी लिमिट वन है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है इसको रहने के लिए, ये सैंडविच थ्योरी में वैसे तो चलो देख ही लो, आपने ही बताना है कि इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो है। तो आपके पास ये जो साइन होता है वो बेसिकली इसको उन्होंने इस तरीके से वी एस्टेब्लिश दैट साइन थीटा इज ग्रेटर देन माइनस थीटा एंड लेस देन थीटा, और ये कहीं पीछे इस थ्योरम को कहते हैं देख ले, फिगर को देख ले, तो पीछे कहीं एक्सप्लेन होगी वो जाके देख लेना, नहीं उधर, हाँ ये आपके पास जो है ना ये थीटा की वैल्यू है रेड वाली, और ये जो है ये वाली येलो वाली, ये माइनस हिट है, और जो ग्राफ है देखो उसके दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन ये बन गया कि माइनस थीटा जो है वो छोटा है, ये नीचे चला गया, ब्लू वाला दरमियान में है साइन थीटा, और ये जो थीटा पॉजिटिव वाला ये ऊपर चल रहा है। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो जो माइनस वाला है वो और जो प्लस वाला, जब लिमिट अप्लाई करोगे दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, लिहाजा दरमियान वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी दो भी हैं, ये आप देख लेना।
अगर ये एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व की हुई थी ये वाली, इसमें देखें आपने कुछ बहुत आसान सी है छोटे से सवालों का जवाब देना। आपने बताना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन जी एक्स क्या है, फॉर द फंक्शन जी ग्राफ्ड हियर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स और एक्सप्लेन व्हाई दे डू नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखें होता क्या है, ये पॉइंट यहाँ से ऊपर चला गया और ये यहाँ से नीचे आ गया, तो दरमियान में ये आ गया गैप। जब इस किस्म का गैप आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती देखें ज़रा, आप यहाँ से इस साइड पर जब लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, तो इसका आंसर आपके पास नहीं, ये वन के पास पास आएगा, क्योंकि ये हाइट में ऊपर जाके ये वन के पास पास आ गया। यहाँ पे देखें ये वन लिखा भी हुआ ये वाला, ठीक है, तो ये जो वैल्यू ये वन के पास पास, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। जब आप यहाँ से इस साइड से आके वन के ऊपर, इस पॉइंट वन के ऊपर उसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, तो ये तो नीचे को आके जीरो हो गई, तो ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। यहाँ यहाँ पे आप कह लें कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा टू के ऊपर ये है ना टू, तो टू के ऊपर देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये इसके साथ राइट हैंड लिमिट है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जब वो आपस में जुड़ी हुई होंगे इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब आपसे कोई पूछे कि लिमिट कितनी है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से वाई एक्सिस पे देख लोगे ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, तो जिसके साथ वो मिल रहा है वही उसकी लिमिट होगी, तो इसकी लिमिट है वन। अच्छा जी अब आ जाए थ्री के ऊपर, तो थ्री के ऊपर देखें ये वाला इधर से आ रहा है, ये वाला इधर से आ रहा है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों की दोनों लिमिट लेफ्ट वाली और राइट वाली लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे देखें ये एक सर्कल बना हुआ है, मैं इसको किसी और कलर से मेंशन करता हूँ, ये देखें ये जो सर्कल है। अब होता क्या है कि ये आपस में सारा कुछ ही बराबर होना चाहिए। अगर कोई इसके बारे में पूछे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल हैं, तो आप कहेंगे हाँ इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखें ये यहाँ से इधर और ये इधर आके आपस में मिल जाते हैं, मिलने का मतलब है कि वेरी वेरी क्लोज टू टच इच अदर। अच्छा और ये जो डार्क सा हाईलाइट सा ये सर्कल लगा, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल ही नहीं है, अगर ये इक्वल होता तो इस तरीके से होता, जैसे कि यहाँ पे ये वाला हाईलाइट भी किया हुआ है और ये दोनों उस हाईलाइट पे जाके मिल रहे हैं, जो हाईलाइट किया है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, बाकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट है। जब वो आपस में इक्वल होते हैं तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होता है और उस पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इस थ्री के ऊपर लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये आपस में इक्वल भी हैं, लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करना और राइट लिमिट एग्जिस्ट करना अलग बात है, और वैसे ओवरऑल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना वो अलग बात है। दोनों में फ़र्क क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपने फाइंड कर ली, यस, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली, यस, ये एक चीज़ है, और आप दूसरा कि आपने लिमिट एग्जिस्ट होने का पूछा है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट होने का पूछा जाता है ना, उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आ जाती है, और ये सारी इक्वल आती हैं आपस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन फॉर्म में पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों एग्जिस्ट करें और ये आपस में इक्वल भी होता हूँ, कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। तो ये सारा इसमें ये एक्सप्लेन किया। सिमिलरली जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, तो ये आप जरा खुद देख लेना कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, ये ग्राफ वाले पोर्शन, और इसके साथ साथ ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 से 13, सिंपल लिमिट्स अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये वाला 21 और 22, ये रैशनलाइजेशन से होना है, तो बाकी तो सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है। कहीं पे आपको वो लॉपिटल रूल या फिर वो जो हम करते होते थे सिंप्लीफिकेशन, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी ना अनडिफाइंड नहीं होगा ये, ठीक है जी। ये जो लिमिट ऑफ द क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अनडिफाइंड होगा, ये देख रहा हूँ, फाइंड द लिमिट, तो इसमें देखें जब आप 5 रिप्लेस करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
सिंपलीफाई करने के बाद जैसे कुछ कैंसिल होगा उसके बाद आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो ये सारे आ गए यहाँ तक, ये ऐसे ही हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये फिर हम बाद में देख लेंगे। और इसमें क्या है जी? बस इतना ही है, ये जो पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।